राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच में जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज भेजे जा रहे हैं, साथ ही उसमें प्रोटेक्शन मांगा जा रहा है। अभी हम बात करेंगे, जोधपुर हाई कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ हैं, कितने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रोटेक्शन मांगने के दस्तावेज पेश होते हैं और क्या फैसले आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ है अधिवक्ता भंवर सिंह जी। भंवर सिंह जी बताओ, कितने दस्तावेज आ रहे हैं? जयपुर और जोधपुर पीठ में प्रतिदिन 50 के करीब प्रोटेक्शन मांगने के लिए जोड़े आ रहे हैं। उसमें कई शादीशुदा है जिनके बच्चे भी हैं, उम्र में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशन को वैध किया, उसके बाद में ये दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार इस पर रोक लगनी चाहिए और न्यायपालिका को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और पुनर्विचार करते हुए इस पर कोई ठोस कानून बनाना चाहिए, जिससे ये पाश्चात्य संस्कृति पनप रही है उस पर रोक लग सके। नहीं, जिस तरह से भी ये, मैं ही चाह रहा हूँ कि आपके पास ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, आपने आंकड़े कहाँ से जुटाए हैं, आपके सामने क्या चीज़ें आ रही है जिसको लेके आपको लगता है कि प्रतिदिन इतने 50 जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं? ये जयपुर और जोधपुर पीठ में हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें डेली की आप देखोगे तो 50 से 60, मतलब आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो एक मंथ का करीब 1500 के करीब प्रोटेक्शन के लिए आवेदन आ रहे हैं। ये सारे ऑनलाइन आवेदन है, उसमें आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ये डाटा वाइज है, इसलिए मैं डाटा वाइज के हिसाब से बता रहा हूँ। जयपुर पीठ और जोधपुर पीठ में ये आंकड़े करीब 1500 के करीब पहुँच रहे हैं मंथ में। अच्छा, एक महीने में इनके हिसाब से 1500 के करीब आंकड़े पहुँच रहे हैं। अभी एक और अधिवक्ता है निखिल भंडारी, मुझे बताइए कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप को दस्तावेज जो तैयार हो रहे हैं, आमतौर पर शादी भी कर सकते हैं ना सर, तो फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया कि लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने अलाउड किया है, इवन जो लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहने से कोई बच्चा भी अगर उनका रहा तो हो रहा है, तो उनका भी प्रॉपर्टी में राइट है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। उसके बाद से आप देखेंगे रोज़ के रोज़ राजस्थान हाईकोर्ट की मेन बेंच जो है जोधपुर बेंच और जो जयपुर बेंच है, वहाँ पर रोज़ के रोज़ 50 से ज़्यादा फाइलें लग रही है, 50 से 100 तक फाइलें जा रही है। मैं रोज़ कोर्ट में अपीयर होता हूँ तो मैं रोज़ देखता हूँ प्रोटेक्शन के लिए आवेदन आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रहे हैं। सर, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन फिर भी लोग जो शादीशुदा हैं, जिनके 3-3 बच्चे, 5-5 बच्चे, 2-2 बच्चे भी हैं, वो भी अपनी वाइफ को छोड़ के, कोई अपनी हस्बैंड को छोड़ के और बच्चों को छोड़ के जब वापस लिव इन रिलेशनशिप में एग्रीमेंट बना के और हाईकोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन की निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह अपने एक राइट भी है, शादी कर सकते हैं घर से भागकर, जो अधिकतर शादीशुदा कर रहे हैं या फिर नए कपल कर रहे हैं, नए लड़के शादीशुदा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। जो शादीशुदा हैं वो अपनी वाइफ को छोड़ के, हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को छोड़ के, या वाइफ है तो अपने हस्बैंड को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, जो ये लिव इन रिलेशनशिप में जो है बहुत ज़्यादा आजकल एप्लीकेशन आ रही है। अच्छा, वो प्रोटेक्शन किससे मांगते हैं, किससे उनको खतरा है? देखिए, उनको लड़की के घर वालों से और लड़की के, जैसे जो पहले मैरिड लड़की है तो उनके लड़की के हस्बैंड से, उसके पियर वालों से, उनसे खतरा है। लड़कों के घर वालों से जनरली खतरा नहीं है, लड़की के घर वालों से लड़के को और लड़की, लड़का लड़की दोनों को खतरा है। अब जिस तरह से जो जितनी भी पिटीशन आती है उसमें उनको खतरा होता है और उस खतरे से बचाव के लिए वो ही चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्शन दे पुलिस। और मैं अब एक और जानना चाहूँगा, जिस तरह से क्या आदेश दिया जाता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है या क्या होता है? उसके बाद में डायरेक्शन दिए जाते हैं कोर्ट से संबंधित थाने को और SP को कि जो इनको मतलब परेशान कर रहा है उनको पाबंद किया जाए। उनको पाबंद किया जाता है, उसके बाद में वो कानून के दायरे में रह के जो प्रोटेक्शन मांगते हैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, और इसके कारण दिनों दिन ये प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में बढ़ती जा रही है। ये सामाजिक रूप से जो एक ताना बाना था भारत का, वो बिगड़ता जा रहा है, और इसमें कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। बड़े, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सब ये लिव इन रिलेशन कर रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत ही आने वाले टाइम में घातक सिद्ध होगा। नहीं, जैसे आपने कहा घातक से दो होगा, और जो जिस तरह से संविधान की सबसे बड़ी पीठ ने इसको लीगल किया है, तो इसको लेके क्या आपका क्या रहेगा? मेरा ये मानना है कि सामाजिक संस्थाओं को मिलकर जो सबसे बड़ी पीठ है उसमें एक पुनर्विचार याचिका लगानी चाहिए और उसमें ये मांग करनी चाहिए आंकड़ों के हिसाब से कि ये भारतीय संस्कृति में जो कचरा फैल रहा है, इस कचरे को साफ करने के लिए आप पुनर्विचार करें और उसके बाद में इस पर कोई नया कानून बने तो ये राहत मिल सकती है, अन्यथा तो कोई राहत की उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो राजस्थान के जोधपुर और जयपुर मुख्य पीठ है, जहां पर जिस तरह से ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रोटेक्शन याचिका लगाई जा रही है, इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से अधिवक्ताओं ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है, जोधपुर से करणपुरी, ABP News।